हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन शेयर है और लगभग ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कह सकते हैं इसे, और काफ़ी बेहतरीन बैलेंस शीट है, काफ़ी अच्छा शेयर है और जिस सेक्टर में काम करता है बहुत ग्रोइंग है और आने वाले टाइम में बहुत मतलब कह सकते हैं कि वो 100,000 रुपीज़ तक का लेवल बहुत जल्दी टच कर लेगा। और अभी जिस तरीके से भागा है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाई है, उसका लिंक मिलेगा तो ऊपर दे दूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जैसे कि अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आपको यहाँ पर ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है इंडिया की, एज वेल एज फ्री में डीमैट अकाउंट दे रहा है जहाँ दूसरे लोग चार्जेस ले रहे हैं। और एज वेल एज बात की जाए इनके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की, वो भी बहुत कम है ईयरली, एज वेल एज जीरो डिलीवरी चार्जेस, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, कस्टमर सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, सेवी रजिस्टर्ड है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ उसके देखिए रिटर्न देख लीजिए। पहले आज के दिन में लगभग 5% की जंप, और ये लगभग 8-9% की जंप थी, बट ये उधर से थोड़ा सा गिर गया था ये शेयर, और फिर भी यहाँ पर देखिए जंप देखी गई है। 1 वीक 8%, 1 मंथ और ईयर टिल डेट की अगर हम बात करें, ओके 1 ईयर की बात करें तो लगभग 40% के रिटर्न, 2 ईयर्स में लगभग 210% के रिटर्न, क्योंकि इसने पिछले 6 महीने में ना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। ये स्टॉक भागे नहीं है, बट अब स्टॉक भागना शुरू कर रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्टॉक जिस दिन भागेगा उस दिन ये बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। देखिए बैंक भी इतने परसेंट के रिटर्न नहीं देता जितना इसने दिया है। 10 साल में इसने लगभग 2000% के रिटर्न्स आपको देते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स है, सब कुछ अच्छा है जिस कंपनी। और अगर इसके मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर हम देखते हैं किस काम इंडस्ट्री में काम करते हैं, वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स रॉ मटेरियल यूज इन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम एग्रोकेमिकल टू पॉलीमर एडिटिव डाई स्टफ टू टायर। तो मतलब ये इनका जो पोर्टफोलियो है ना काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और जो रॉ मटेरियल जो ये बनाते हैं ना स्पेशल केमिकल के, तो देखिए यहाँ एग्रोकेमिकल पॉलीमर, तो ये टायर्स के लिए, परफ्यूमर्स के लिए, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे केमिकल्स है जिनमें ये डील करती है, तो काफ़ी बेहतरीन इनका पोर्टफोलियो भी है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। बट कंपनी बहुत छोटी है, तो जब जिस दिन भागेगी तो भागती तेज है, गिरती है तो गिरती भी तेज है, और देखिए पिछले 6 महीने से तो कंसोलिडेशन फेज में ही ये गई हुई है। तो जिस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ देखिए ये रही ब्लैक रोज इंडस्ट्री लिमिटेड। ब्लैक रोज इंडस्ट्री लिमिटेड आज के दिन लगभग देखिए यहाँ पर लगभग 152 रुपीज़ तक चला गया था, यहाँ से फिर लगभग थोड़ा सा गिरावट हुई है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पहले दिखाता हूँ, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं आपके सामने है, क्या बेहतरीन मतलब पॉइंट, मतलब पैसों में चलने वाला शेयर 1997 में आज लगभग 150 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चल रहा है। और एक साल की हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लगभग 155 पे ये शेयर चल रहा था, उसके बाद देखिए यहाँ पर गिरावट हुई, और गिरावट के बाद ये इसने यहाँ पर भागा भी। यहाँ पर अगर देखें तो लगभग आपको कितने अगर बात करें तो 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर इसने 122% के रिटर्न दिए थे, और उसके बाद ये कंपनी काफ़ी फेमस हो गई थी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज पे गई हुई है ये कंपनी। बट अभी जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा देखिए ऊपर जा रही है, जाने को कोशिश कर रही है। अगर ये इस तरीके से गई तो आपको किस तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। अगर इसका मैक्सिमम मैं बात करूं तो आपको कितने परसेंट के रिटर्न इसने अभी तक दे दिया, अगर हम यहाँ पर ले जाते एक बार तो लगभग 1900% के रिटर्न इस कंपनी ने दे चुके हैं। ओके तो वो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और इसकी बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग माइक्रो कैप कंपनी है, डिस्क्लेमर दोबारा देना चाहूँगा, स्टॉक ऐसी कंडीशन में भागता भी तेज है गिरता भी तेज है, बट इसका जो चार्ट ओवरऑल जो हमने सब कुछ देखा है इसका चार्ट पैटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है। 694 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है मार्केट कैपिटल, पीई रेशो 39 का है, आरओसी भी देखिए कितनी बेहतरीन है, 37.2% की आरओसी है, काफ़ी अच्छा ये शेयर आपको नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें सेल्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स में 2017 में दिसंबर क्वार्टर में
44.59 करोड़ रुपीज़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ के अभी लगभग 66.57 करोड़ की हो गई है। और देखिए जून में क्या गिरावट थी, फिर उसके बाद जो भागा है शेयर मार्च के बराबर, देखिए यहाँ पर आ गया है। ओके, और इसमें आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। एज वेल एज नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो लगभग 6 करोड़ रुपये का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें नज़र आता है। अगर हम ईयरली बेस पे, अगर हम एनुअली बेस पे इसे कंपेयर करें तो सेल्स देखिए, मार्च में 40 करोड़ रुपए की सेल्स थी 2009 में, और अभी अगर हम देखें 2020 में मार्च में 252 थी, और अगर 12 मंथ की हम देखते हैं तो 226 करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ पर हो चुकी है। अगर नेट प्रॉफिट भी देखें तो देखिए मार्च में 20 करोड़ रुपए था, जहाँ पर 0 से 20 करोड़ पे आया, और अभी लगभग 12 महीने में 17 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स प्रॉफिट नज़र आता है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर रिजर्व्स देखेंगे तो 4 करोड़ रुपए के रिजर्व्स, अभी लगभग 68 करोड़ रुपए के रिजर्व्स आपको नज़र आ रहे हैं। बोरिंग की बात की जाए तो बोरिंग 4 करोड़ रुपए की बोरिंग थी, जो अभी लगभग 22 करोड़ रुपए की बोरिंग हमें नज़र आ रही है, जो कि घटते हुए मैनर में दिखाई दे रही है साफ। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कंपनी के एसेट भी देखिए 21 करोड़ रुपए के एसेट, लगभग 129 करोड़ रुपए के एसेट होते हुए नज़र आए हैं। अगर कैश फ्लो की भी एक ऑपरेटिव एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आता है उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 16 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश इनके पास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 6 करोड़ रुपये का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब हाथ में इनके पैसे 6 करोड़ रुपये तो है ही। प्रमोटर्स की अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर्स के पास 75% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि कंटिन्यूसली देखिए हर साल सेम ही रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए ये लोग हैं जिन्होंने ले रखे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने देखिए अपनी हिस्सेदारी लगभग 0.27% की है। पब्लिक की बात करें तो 24.73% की हिस्सेदारी पब्लिक की है। तो हर चीज़ में देखिए यहाँ पर ये अच्छा नज़र आ रहा है, बैलेंस शीट अच्छी नज़र आ रही है। एज वेल एज अगर हम बात करें देखिए पब्लिक में भी इन लोगों ने अच्छी खासी क्वांटिटी उठा रखी है। तो ब्लैक रोज ये केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही आपको मिलेगी। 1900% के रिटर्न्स आज तक इस कंपनी ने दिए हैं, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और अगर आप देखिए होल्ड तो करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पिछले 6 महीने में इसी फेज़ पे ये कंपनी गई है, और मैंने भी ले रखा है, और मैंने भी इसमें केवल इसी फेज़ पे है तो अभी ही रुके हुए हैं, क्योंकि ये जब ये जंप दिखाती है ना तो ये किस तरीके का जंप दिखाती है आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन ये जंप दिखाती है, एक साथ ही नीचे से ऊपर। तो ऐसी कंपनीज़ को लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होती है ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, रखो अपने पोर्टफोलियो में और वेट करो और फिर देखो इसके मजे कि किस तरीके से ये कंपनी एक्चुअली वर्क करती है। देखिए क्या गिरावट है, गिरावट के बाद उठता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी को। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो पहली बात अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप खुद की स्टडी करके ही इसे इन्वेस्ट करिएगा। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ से, एज वेल एज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।